एक तरफ तो देश में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने मजदूरों की कमर तोड़ कर रख दी है, और दूसरी तरफ हादसों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है, जहां नांदघाट टेमरी नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और बस में आज सुबह करीब 8 बजे जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं बस और ट्रेलर चालक की भी मौत हो जाने की खबर है। ये भिड़ंत कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इस बस और ट्रेलर के हालात से लगाया जा सकता है। प्रवासी श्रमिकों से भरी हुई ये बस पुणे से झारखंड जा रही थी, जिसमें मुंगेली के भी 2 मजदूर सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। वहीं दोनों गाड़ियों के चालक की लाश भी गाड़ी में ही फंसी हुई है, जिसे निकालने का प्रयास जारी है। घायलों में 2 श्रमिकों की हालत नाजुक है, जिन्हें सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 8 से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये श्रमिक बस अपने घर पहुंचना चाहते थे, इसीलिए बस में सवार थे। अब सवाल यह है कि जब सरकार सभी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करने का दावा कर रही है, तो फिर ये लोग खुद ही क्यों अपने विकल्प खोजने निकल पड़ते हैं? क्या इससे ये समझा जाए कि सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं? बिलासपुर से न्यूज के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।